इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे दें, फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ याचिका दायर हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई है याचिका, प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आदि पुरुष के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है हिंदू सेना, विवादित सीन हटाने तक फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म में हिंदुओं के इष्ट देव का गलत ढंग से चित्रण किया गया है, राम सीता हनुमान और रावण का गलत ढंग से हुआ है चित्रण। फिल्म निर्माता ओम राउत को बनाया गया है प्रतिवादी, केंद्र सरकार सेंसर बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया गया है, तमिलनाडु सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, एक याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में हिंदू के आराध्यों को विवादित ढंग से दिखाया गया है, जबकि किसी भी रामायण में इस तरह का चित्रण नहीं किया गया। इस तरह से फिल्म निर्माताओं ने देवताओं का मजाक उड़ाया है। याचिका में कहा गया कि उस पर रोक लगाई जाए और विवादित सीन्स को हटाने तक उसे प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, तमिलनाडु सरकार, फिल्म निर्माता ओम राउत और टी सीरीज को भी प्रतिवादी बनाया है।